जिला चंबा में गत दिनों से हो रही भारी बारिश का कहर मुख्यालय स्थित सपड़ी वार्ड में बरसा है। सपड़ी वार्ड में निर्मित चिल्ड्रन पार्क का डंगा धंसने से जहां पार्क को क्षति पहुंची है, वहीं पार्क में खड़े दो दोपहिया वाहन भी भूस्खलन की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जबकि पार्क के समक्ष सपड़ी चामुंडा पार्क की दशा भी दयनीय दिख रही है। संपर्क मार्ग के बाहरी भाग में लगे विद्युत पोल स्थल भी धंसने के कगार पर अग्रसर है, लेकिन इस दिशा में वक्त रहते कोई कदम ना उठाए जाने से चिल्ड्रन पार्क की भांति यह कभी भी धंस सकता है, जिसके कारण संपर्क मार्गों को क्षति पहुंचने सहित चंबा, भरमौर, पठानकोट राहगीरों को जान माल की क्षति से गुजरना पड़ सकता है। अभी हाल ही में पिछले दिनों अडानी ग्रुप की एसीसी सीमेंट कंपनी बरमाना में गाड़ियों में क्लिंकर लोड होने के कारण आग लग गई। आग लगने का कारण क्लिंकर का गर्म होना बताया जा रहा है। कंपनी के ही दमकल विभाग ने हालांकि आग पर काबू पा लिया। आगजनी के ऊपर मोटर चालक संघ ने सरकार से निवेदन किया है कि अडानी ग्रुप के बरमाना और दालला घाट में इस तरह की घटनाएं पहले भी काफी बार हो चुकी है और इस तरह से किसी भी ट्रक ड्राइवर की जान भी जा सकती है। उन्होंने प्रदेश सरकार से निवेदन किया है कि इन कंपनियों को जल्द से क्लिंकर ठंडा होने के बाद गाड़ी में लोड करने के सख्त आदेश जारी किए जाएं, जिससे कि ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हिमाचल प्रदेश के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नशे की रोकथाम के लिए शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ काम करेंगे। प्रदेश के सभी निजी और शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों के संयुक्त निगरानी दल शिक्षण संस्थानों और हॉस्टलों के आसपास भी नजर रखेंगे। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की ओर से हर माह निजी शिक्षण संस्थानों के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने सभी निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पत्र जारी नशा मुक्ति के लिए विशेष प्रयास करने को कहा है। इसके तहत निगरानी दल गठित कर औचक निरीक्षण करने के लिए विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। निगरानी दल की अगुवाई वरिष्ठ शिक्षक करेंगे। इसमें विद्यार्थियों को सदस्य बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 134 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही व्यावसायिक शिक्षा मिलना शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने नए स्कूलों के नामों की सूची जारी कर दी है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षा देने के लिए विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित 134 शिक्षकों के आउटसोर्स आधार पर सरकार भर्ती करेगी। इन नए स्कूलों के शामिल होने से व्यवसायिक कोर्स वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों की संख्या 1200 से अधिक हो गई है। हिमाचल प्रदेश के 134 और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में जल्द ही व्यवसायिक शिक्षा मिलना शुरू होगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने नए स्कूलों के नामों की सूची जारी कर दी है और 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षा देने के लिए विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित 134 शिक्षकों के आउटसोर्स आधार पर भर्ती करेगी। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर मई के पहले सप्ताह से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। गर्मियों की छुट्टियों में बड़ी संख्या में सैलानी रेल मार्ग से शिमला आ रहे हैं। शिमला आने वाली गाड़ियों में लंबी वेटिंग लिस्ट के कारण सीटों की बुकिंग में सैलानियों को दिक्कत पेश आ रही है। सैलानियों को अतिरिक्त सुविधा देने के लिए उत्तर रेलवे एक अतिरिक्त हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। कालका शिमला नैरोगेज ट्रैक पर रोमांचक सफर के लिए सैलानी खासे उत्साहित रहते हैं। वहीं कालका और शिमला के बीच 103 सुरंगें सफर को दिलचस्प बनाती है। बड़ोग रेलवे स्टेशन पर 33 नंबर बड़ोग सुरंग सबसे लंबी है। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात को भारी बारिश और बर्फबारी हुई है। वहीं लाहौल में अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास जगशांग नाला में हिमस्खलन हुआ है। आज सुबह फिर से पहाड़ी से हिमस्खलन हुआ जो चंद्रा नदी तक जा पहुंचा। थोड़ी देर के लिए नदी का बहाव भी रुक गया। इसके अलावा कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल में लगातार हिमस्खलन हो रहा है। दो दिनों में यह दूसरा मामला है। हिमस्खलन को लेकर सासे ने भी चेतावनी दी है। लाहौल में दो दिनों से बर्फबारी हो रही है। प्रशासन ने आम लोगों व सैलानियों को अलर्ट किया है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जय भारत सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेकर केंद्र के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। इसी के मद्देनजर उपायुक्त बिलासपुर कार्यालय परिसर में भी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों व पूर्व विधायकों ने मिलकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ धरना दिया। वहीं इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि भाजपा सांसदों द्वारा भी लोकसभा में नेहरू व गांधी परिवार पर टिप्पणी की जाती रही है, बावजूद इसके उनके खिलाफ आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और राहुल गांधी द्वारा मोदी शब्द पर टिप्पणी किए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही रामलाल ठाकुर ने राहुल गांधी की लोकप्रियता व 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के डर से इस तरह का कदम उठाए जाने की बात कहते हुए आने वाले समय में शहर से लेकर गली मोहल्ले में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा धरने दिए जाने की बात भी कही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जहां पर ई विधान प्रणाली को लागू किया गया है।
जिसको समझने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शिमला आते रहते हैं। इसी कड़ी में आज गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़कर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल विधानसभा पहुंचा, जहां प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल विधानसभा की बारीकियों सहित ई प्रणाली के बारे में समझा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा देश की प्राचीनतम विधानसभाओं में से एक है, जिसका अपना इतिहास है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ऐसी विधानसभा भी है जहां सबसे पहले ई प्रणाली को शुरू किया गया। हिमाचल विधानसभा देश भर के लिए एक आदर्श बनी है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन भरने के बाद अब उम्मीदवार प्रचार में जुट गए हैं। आज अधिकतर उम्मीदवार डोर टू डोर प्रचार करते नजर आए। भट्टाकुफर वार्ड से भाजपा उम्मीदवार सुशांत चौहान ने भट्टाकुफर में समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार किया और क्षेत्र में पार्किंग बनाने के साथ लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने का वादा भी जनता से किया। सुशांत चौहान ने कहा कि भट्टाकुफर वार्ड में कार्य तो हुए लेकिन योजना के तहत नहीं हुए हैं। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और यहाँ पर वाहनों को पार्क करने के लिए पार्किंग नहीं बन पाई है। लोग सड़क किनारे वाहनों को पार्क करते हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान भी नहीं है। यदि वह जीत कर आते हैं तो क्षेत्र में सबसे पहले पार्किंग बनाने के साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए छोटे छोटे खेल मैदान बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही वार्ड कार्यालय का निर्माण भी किया जाएगा। G20 सम्मेलन के लिए आए विदेशी मेहमानों ने धर्मशाला टी गार्डन और कांगड़ा कला संग्रहालय का दौरा किया। विदेशी मेहमानों ने इस दौरान कांगड़ा चाय की खेती के बारे में जाना और स्थानीय लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। विदेशी मेहमानों ने टी फैक्ट्री में कांगड़ा चाय के उत्पादन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की और कांगड़ा चाय की चुस्कियां भी ली। इसके उपरांत विदेशी मेहमानों ने कांगड़ा कला संग्रहालय पहुंचकर कांगड़ा शैली और पेंटिंग के बारे में जानकारी हासिल की, साथ ही हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी जाना।